आप सभी हो एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे और मैं हूँ भास्कर सर। रोज की तरह आज भी आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। तो टॉपिक को बताने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के पास पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो नॉलेज पा रहे हैं वो दूसरों को भी मिलती रहे। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ये जो चैनल है यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड जो भी नॉलेज है यहाँ पे दी जा रही है, यहाँ पे आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी के भी जो भी टर्म है वो समझाए जा रहे हैं। जीएनएम और फार्मासिस्ट की क्लास रेगुलर चल रही है, जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो भी चीज़ें हैं बताई जा रही हैं और फार्मासिस्ट को भी बताया जा रहा है और समय समय पे जो वैकेंसी की अपडेट है वो भी दी जा रही है। आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं या एलोपैथ की जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टर्म है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो जीएनएम का है और सब्जेक्ट भी जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ही है, जनरल साइंस का है और यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो क्लास है वो जीएनएम फर्स्ट ईयर की है और सब्जेक्ट है जनरल साइंस। तो ऐसा नहीं कि बस जनरल साइंस जीएनएम फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट पढ़ेंगे, जनरल साइंस हर वो स्टूडेंट पढ़ सकता है जो साइंस की क्लास अटेंड करता है या साइंस का स्टूडेंट है। तो चलिए आज जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है साउंड। आज का जो टॉपिक है वो है साउंड। साउंड को हिंदी में हम ध्वनि कहते हैं, साउंड को कहते हैं ध्वनि। तो सबसे पहले जान लेते हैं ध्वनि है क्या या साउंड है क्या। तो अगर साउंड बोले तो साउंड को सिंपली हम कह सकते हैं काइंड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि साउंड एक तरह का कंपन है, साउंड का स्रोत है। तो अगर ऊर्जा की स्रोत की अगर बात करें तो साउंड को हम क्या कह सकते हैं कि साउंड एक ऊर्जा का स्रोत भी है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली बस आपको बताया है, अगर पूछा जाए या साउंड को अगर डिफाइन करेंगे, साउंड को अगर डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि साउंड इज अ वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन अगर बोले तो ध्वनि कंपन का एक रूप है या ध्वनि एक तरह का कंपन है। मतलब अगर मैंने लिख दिया वाइब्रेशन तो आपके दिमाग में यह चीज होनी चाहिए कि विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर कह दे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले तो जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो बोलने के लिए मैं यहाँ पे वोकल कॉर्ड का यूज कर रहा हूं। ये क्या है, मेरा वोकल कॉर्ड है। तो वोकल कॉर्ड में अगर देखें तो दो ऐसे इस तरह का ऑब्जेक्ट बना होता है जिसको लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। तो ये लैरिंग्स बोलिए या इसको एडम एप्पल भी बोला जाता है, एडम एप्पल। तो इसको लैरिंग बोलिए या एडम एप्पल बोलिए। तो यहां पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही हम बोलते हैं तो ये दोनों आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद से वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आपको अगर ये फील करना है तो आप बोल करके यहां पे उंगली लगा करके देख सकते हैं, आपकी उंगली में वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि यहां पे बता दिया मैंने। अगर साउंड को समझना है तो एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहां पे मैं फिगर के माध्यम से समझा दूं, यहां पे मैंने वाइब्रेशन बना दिया, मतलब कि ये जो है वाइब्रेशन है, मतलब किसी मीडियम में या किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रहा है और फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा ईयर है, कान है, उसी तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया और एक ये स्ट्रक्चर बना दिया। सपोज दैट चार चीजें मैंने बताई, तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया वाइब्रेशन, ये समझने के लिए बताया जा रहा है। सपोज दैट ये वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो ये हमारे कान में ये वाइब्रेशन मीडियम से पहुंच जाते, एयर ही मीडियम है साउंड को प्रोड्यूस करने पहुंचाने वाला, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी जो मीडियम है वो है एयर। विदाउट एयर साउंड जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं कर सकती है। बाकी जो मीडियम होते हैं वो अलग है, क्योंकि जैसे कि आपको पहले से पता है कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है, जब प्रोड्यूस होता है तो मेटल में भी ट्रेवल कर लेता है, वाटर में भी ट्रेवल कर लेता है, तो वो भी मीडियम है। लेकिन यहाँ पे जो मीडियम है मैंने बताया कि एयर है, एयर के माध्यम से ये हमारे कानों तक पहुंच गया और यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम होता है, कान में जो ईयर ड्रम होता है वहां पे ये जो वाइब्रेशन है जाकर के टकरा जाते हैं। जो ही टकराते हैं तो वहां पे एक तरह के फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस, एक तरह का फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, मतलब कि हम इसको फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रिक्वेंसी जब जनरेट होती है
जो वाइब्रेशन यहाँ पे हमारे ईयर ड्रम पे जाकर टकराते हैं तो फिर ये हमारे माइंड के पास जाता है, हमारे दिमाग के पास ये सेंसेशन पहुंचती है, तो हमारा दिमाग उसको बताता है कि ये आवाज है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है, मतलब हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है जिस साउंड को पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा, मतलब हमारा दिमाग जिस साउंड को आइडेंटिफाई करेगा उसी को हम कह सकते हैं कि वो साउंड है। मतलब जिसको हमारा दिमाग आइडेंटिफाई नहीं करेगा हम नहीं कहेंगे कि वो ध्वनि है। तो दो चीजें हैं, अगर आपके दिमाग में आता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो जैसा कि मैंने बता दिया कि कंपन, ध्वनि एक कंपन का प्रकार है, ध्वनि कंपन का एक प्रकार है, उसी तरह से दूसरी चीज अगर पूछी जाए कि ध्वनि क्या है, तो आप ये भी बता सकते हो कि हमारा जो मस्तिष्क है जिस चीज को पहचानता है, जिस आवाज को पहचान लेगा उसको भी हम ध्वनि कह सकते हैं। मतलब कि जो आवाज हम पहचान सकते हैं वो भी ध्वनि है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि वाइब्रेशन जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो हमारे कानों में जाता है, ईयर ड्रम से टकराता है, और वो इस सेंसेशन को हमारा माइंड जो है अलग अलग नर्व्स के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो हमें पता चलता है इस चीज ये आवाज है। तो आपको पता चल गया कि साउंड है क्या। अब दूसरे तरह से अगर देखें तो साउंड के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, के अनुसार अलग अलग तरह के साउंड है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे कान जो है वो कितनी आवाज सुन सकते हैं और किस तरह की आवाज, कितने आवाज को हम सुन सकते हैं और कितने आवाज कितने ज्यादा फ्रिक्वेंसी की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर हम हर्ट्ज में करते हैं। किस में करते हैं? हर्ट्ज में। मतलब कि जो यूनिट है साउंड को मेजर करने की वो क्या है? हर्ट्ज है। उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, हर्ट्ज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच और स्मॉल जेड से। तो इसी के हिसाब से अगर हम साउंड को काउंट करें कि साउंड कौन सी साउंड हम सुन सकते हैं कौन सी नहीं सुन सकते हैं, तो जैसा कि अगर ह्यूमन ईयर की अगर बात करें, हमारी अगर बात करें, तो हम कितना साउंड सुन सकते हैं, तो हम 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, मतलब कि 20 KHz तक की आवाज सुन सकते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज हम सुन सकते हैं। उसी तरह से अगर आगे इस चीज को लेकर के चलें तो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है, मतलब कि 20 हर्ट्ज से जो नीचे की जो साउंड है उसको हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रा साउंड या इंफ्रा इंफ्रा सोनिक, या बोलिए आप इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक। मतलब कि ह्यूमन ईयर जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है, फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है तो उसको हम इंफ्रासाउंड बोलेंगे या इंफ्रासोनिक बोलेंगे। इसको हम बोल सकते हैं सोनिक। क्या बोलेंगे? सोनिक। मतलब कि जो हम सुन सकते हैं वो है सोनिक, और जिस हमारी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, जो सुनने की जो क्षमता है 20 हर्ट्ज, उससे नीचे की आवाज जो है उसको इंफ्रासोनिक। उसी तरह से अगर हम अल्ट्रासोनिक की बात करें, अल्ट्रासोनिक मतलब अगर 20 KHz से लेकर के 16 GHz, मतलब 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 160,000 हर्ट्ज, मतलब 20 KHz, मतलब कि 160,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 160,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। मतलब कि 20 KHz और 16 GHz की जो साउंड है उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। इससे भी ऊपर आवाज होती है, मतलब कि वो और ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। क्या? HZ से ऊपर की जो साउंड है वो अल्ट्रासाउंड में गिनी जाती है, मतलब अल्ट्रासाउंड उसको कहते हैं। तो जो भी पेट वगैरह की जो अल्ट्रासाउंड आप सुनते हो, अल्ट्रासाउंड कराया गया है या अल्ट्रासाउंड है, तो वो अल्ट्रासाउंड साउंड की ही वेव्स होती है। जो हमारे जो पेट का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो साउंड की वेव्स के हेल्प से ही किया जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमारे
पेट में हो जाता है, वो हम साउंड को हर्ट भी नहीं कर पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, और वो जो भी डायग्राम है वो हमें दिखाता है कि हमारे पेट में क्या क्या दिक्कत है, मतलब कि वो अंदर चला गया और जो भी चीजें हैं वो बाहर फिगर के माध्यम से दिख जाती है। तो आपको पता चल गया जो कि फ्रिक्वेंसी है उसका जो मात्रक है वो क्या है, हर्ट्ज है, और जो मेजर करने की जो यूनिट है बता दिया कि इसको डिनोट भी कैपिटल एच और स्मॉल जेड से करते हैं, और हमने बताया कि जो हम फ्रिक्वेंसी है सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, तो उससे नीचे की जो फ्रिक्वेंसी है उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है या इंफ्रा साउंड बोला जाता है। तो ये सारी चीजें बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो ये कि साउंड जो है ट्रेबल किन किन मीडियम से कर सकता है, मतलब कि अगर मीडियम की बात करें, मीडियम तो साउंड को कभी भी जरूरत है मीडियम की, जहां साउंड को ट्रेबल करने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा वहां पे साउंड ट्रेबल नहीं होगी। अगर हम मैं बोलूं वैक्कम में, वैक्कम जिसको निर्वात कहते हैं, निर्वात, निर्वात का मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, ना तो एयर है ना ही किसी तरह का मीडियम है, तो उसको हम निर्वात बोलेंगे। तो वहां पे साउंड काम नहीं कर, साउंड नहीं सुनाई देगी, कोई भी तरह की आवाज अगर आप करें तो वहां पे आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मून पे चले जाइए, चांद पे, तो वहां पे एयर है ही नहीं, एटमोस्फियर नहीं है, तो वहां पे अगर आप बोलोगे किसी को तो कुछ सुनाई नहीं देगा, बेशक में आप 2 लोग हैं, आप बात करना चाहें तो आप बात नहीं कर पाओगे। तो वहां पे जो सिस्टम होता है, साइंटिस्ट दूसरे सिस्टम यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, उससे वो बातें करते हैं। तो वहां पे दूसरी चीजें हो गई कि किस तरह से बात किया जाता है, क्योंकि वैकम में आपको बता दिया मैंने कि निर्वात जो होता है उसमें साउंड ट्रेबल नहीं कर पाएगा क्योंकि साउंड को मीडियम की जरूरत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो साउंड हम बात करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जो साउंड ट्रेबल करता है उसका जो मेन मीडियम है वो क्या है, एयर। एयर में ही साउंड ट्रेबल करता है, तो बिना एयर के साउंड ट्रेबल नहीं कर पाएगा, एयर की जरूरत होती है। तो ये हो गया गैस, मतलब कि साउंड जो है गैस में भी ट्रेवल कर सकता है। उसी तरह से अगर देखें मेटल, मेटल तो मेटल में बहुत सारे मेटल है, तो साउंड मेटल में भी ट्रेवल करता है, ये भी मीडियम है, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सीढ़ी का रेलिंग हो, एक छोर पे किसी को कह दीजिए खड़ा होने के लिए और दूसरे छोर पे आप खड़े हो जाइए। अब रेलिंग में आपने स्ट्रक किया, लास्ट छोर पे किसी ने कान लगाया, तो उसको जो आवाज सुनाई देगी वो उसी मीडियम के माध्यम से वहां तक आती है। या एग्जाम्पल के लिए आप ट्रेन की पटरी का ही देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन कहीं और होती है और पटरी पे पहले ही वाइब्रेशन के थ्रू आवाज आने लगती है, आप पटरी पे कान रखेंगे, ट्रेन जब आ रही है, दूर है ट्रेन, तो आप पटरी पे जब कान रखोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो वहां पे जो साउंड पहुंचाने का जो काम कर रहा है वहां पे मेटल काम कर रहा है, मतलब कि रेलवे ट्रैक काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा मीडियम मैंने बताया वो क्या, मेटल। तो गैस हो गया, मेटल हो गया, फिर है लिक्विड। लिक्विड में जैसे वाटर हो गया, वाटर, तो वाटर भी मीडियम है साउंड को ट्रेवल, मतलब कि वाटर में भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोले कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा मेटल में होते हैं। अब कैसे मेटल में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा मेटल में कैसे होती है, ये कैसे कह सकते हैं? तो जैसा कि आपको पता है ट्रेन कई किलोमीटर दूर होती है और आप रेलवे ट्रैक पे अगर आप कान रखें तो आपको साउंड वहां पे पहले आ जाएगी, जबकि जो साउंड उसके सायरन की है बाद में आती है, क्योंकि एयर वहां, एयर ही मीडियम है उस जो उसका सायरन है उसको हमारे कानों तक पहुंचाने के लिए, जबकि मेटल में वो आवाज पहले पहुंच जाती है। लेकिन अगर डिस्कशन में जब टॉपिक आएगा लाइट का तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे ये चीजें अलग हो जाएंगी, क्योंकि लाइट जो है, लाइट की जो स्पीड है वो साउंड से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कभी कभी देखिएगा आप बादलों में अगर बारिश वरिश होती है तो वहां पे आप देखेंगे कि साउंड जो है, बिजली जब चमकती है तो साउंड आपको बाद में सुनाई देता है, जबकि उसकी जो लाइटनिंग है पहले आपको दिखाई दे देती है। तो साउंड में मैंने 3-4 चीजें बता दी। सबसे पहले चीज तो मैंने बता दिया साउंड क्या है, तो साउंड एक प्रकार का कंपन है, या ये कह सकते हैं ध्वनि। ध्वनि मतलब कि जो आवाज हम चिन्हित करते हैं, हमारा दिमाग जिसको चिन्हित करता है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बता दिया कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुन सकते हैं, तो ये चीजें बता दी। अब कितने काइंड होते हैं साउंड के, अगर मेन जो प्रकार है अगर बोले काइंड ऑफ साउंड, अगर साउंड
का प्रकार बोले तो साउंड के मैक्सिमम दो प्रकार होते हैं, जैसे एक तो होता है और एक होता है अनप्लीजेंट। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट मतलब आवाज का दो प्रकार है, ध्वनि के दो प्रकार हैं, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। तो प्लीजेंट का मतलब जो आवाज सुनने में अच्छी लगे, जो आवाज सुनने में अच्छी लगे उसको प्लीजेंट बोलेंगे, और जो आवाज सुनने में ना अच्छी लगे उसको हम क्या बोलेंगे, अनप्लीजेंट, नहीं अच्छी लगने वाली आवाज को क्या बोलेंगे, अनप्लीजेंट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बता दूं, प्लीजेंट जो साउंड है वो क्या है, म्यूजिक, और अनप्लीजेंट जो साउंड है वो है नॉइज, मतलब शोर और संगीत। आप खुद डिफरेंस कर सकते हो आपको सुनने में आवाज कौन सी अच्छी लगती है। तो संगीत क्या है, प्लीजेंट साउंड, और अनप्लीजेंट क्या है, शोर। तो जो अनप्लीजेंट साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज। तो काइंड ऑफ साउंड में भी देखें तो प्लीजेंट साउंड और अनप्लीजेंट साउंड, मतलब कि ध्वनि के दो प्रकार हो गए, एक तो हो गया प्लीजेंट और दूसरा क्या हो गया, अनप्लीजेंट। एग्जाम्पल भी बता दिया, प्लीजेंट में संगीत है और अनप्लीजेंट में क्या है, शोर है। तो अगर बहुत ज्यादा तेज लाउड म्यूजिक भी अगर बजता है तो वो भी आपको खराब लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर सॉन्ग है आप बहुत तेज बजाते हो तो उसको भी हम प्लीजेंट में गिन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस साउंड को आप सुन नहीं पा रहे हो, आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो अनप्लीजेंट है। तो लाउड म्यूजिक भी अनप्लीजेंट में गिना जाएगा। तो उसी तरह से अगर अनप्लीजेंट साउंड की बात करें, अनप्लीजेंट, तो अनप्लीजेंट साउंड ही कारण है साउंड पोल्यूशन का। साउंड पोल्यूशन मतलब नॉइस ही कारण है साउंड पोल्यूशन का, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण का। तो ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, अनप्लीजेंट साउंड जिसको नॉइस बोलते हैं उसी से साउंड पोल्यूशन होता है, और साउंड पोल्यूशन के बहुत ज्यादा हो जाएगी, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर साउंड पोल्यूशन की बात करें तो जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीजें अगर आप हाई बहुत ज्यादा तेज करके चला रहे हो, या एयरक्राफ्ट रीजन में जो लोग रह रहे हैं, जहां पे गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं वहां पे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको हेडक की दिक्कत हमेशा होती है, सिर दर्द हमेशा बना रहता है। तो साउंड पोल्यूशन भी एक टर्म है, जैसे कि पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, तो साउंड पोल्यूशन भी प्रदूषण में आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउंड पोल्यूशन पे भी एक क्लास आपकी मैं लूंगा कि कैसे साउंड पोल्यूशन को कम करेंगे, साउंड पोल्यूशन से कौन कौन बीमारियां होती है, ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि साउंड पोल्यूशन अनप्लीजेंट अगर साउंड होती है तो उसको हम साउंड पोल्यूशन में गिनते हैं। इसीलिए कभी कभी अगर आप जाम वगैरह में फंसे हुए हो तो गाड़ी का हॉर्न ज्यादा नहीं बजाते हैं, कि गाड़ी का हॉर्न भी आप बजा रहे हो तो वो भी एक साउंड पोल्यूशन में गिना जाएगा, उससे भी कंसंट्रेशन खराब होता है, बहुत सारी दिक्कत होती है, हाइपर टेंशन जैसे कि हाई बीपी बता दिए, सारी दिक्कतें होती हैं। तो साउंड में जो इम्पोर्टेंट जो चीजें थी आपको जो जानना था मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट जो चीज है साउंड में ही है म्यूजिक, म्यूजिक जिसको संगीत बोलेंगे। संगीत भी आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों को जनरल साइंस में, जीएनएम जो पार्ट वन वाले हैं उनको जनरल साइंस में, जनरल साइंस, तो जीएनएम पार्ट वन वाले जो स्टूडेंट हैं जनरल साइंस में वो साउंड पढ़ेंगे। तो साउंड में काइंड ऑफ साउंड वगैरह जो भी चीजें जो इंपॉर्टेंट टर्म है मैंने बता दिया। उसके बाद से आपको म्यूजिक भी पढ़ना है, तो म्यूजिक का मतलब ये कि साउंड का रिलेशन म्यूजिक से कैसे है। तो आपको पता होगा जो भी ऑब्जेक्ट है म्यूजिकल, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, बिना साउंड के वो प्ले नहीं किया जा सकते हैं, चाहे फ्लूट हो गया या वायलिन हो गया या गिटार हो गया या सितार हो गया, सारी चीजें अगर देखें तो बिना साउंड के वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें भी और साउंड के प्रोड्यूस नहीं होंगे, और साउंड जो है बिना वाइब्रेशन के प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें फ्लूट बांसुरी अगर देखें तो उसमें एयर कॉलम बने होते हैं, जब आप फूकते हो तो अलग अलग एयर कॉलम को उंगली से जो बजाने वाला है उसको एयर कॉलम में अलग अलग जो होल होते हैं उनको बंद करके छोड़ता है, तो अलग अलग वाइब्रेशन के थ्रू अलग अलग तरह की आवाज उससे आती है। उसी तरह से गिटार अगर देखें, गिटार में बताया जाता है बजाते हैं तो जो उसमें स्ट्रिंग लगा होता है जो धागा, उससे भी प्रोड्यूस होती है, उसको अलग अलग दबा करके उससे वाइब्रेशन निकाल करके अलग अलग तरह की आवाज निकलती है। तो साउंड का जो चैप्टर है आशा करता हूं आपको जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आऊंगा आपके सामने, तो उसमें उस चीज को मैं लेकर के चलूंगा, आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।